हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हेल्पर टिप्स इन हिंदी में। आज की इस जानकारी में मैं आपको बताऊंगा झारखंड के मुख्यमंत्रियों के बारे में। समय समय पर झारखंड में राष्ट्रपति शासन भी लगा है, लेकिन यहां पर आपको मुख्यमंत्रियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। 2000 से वर्तमान तक मुख्यमंत्रियों की पूरी जानकारी देख लेते हैं इस वीडियो में। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बने बाबूलाल मरांडी। इनका कार्यकाल 15 नवंबर 2000 से लेके 17 मार्च 2003 तक रहा। झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री बने अर्जुन मुंडा। इनका कार्यकाल 18 मार्च 2003 से लेके 2 मार्च 2005 तक रहा। झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री बने शिबू सोरेन। इनका कार्यकाल 2 मार्च 2005 से लेके 12 मार्च 2005 तक रहा। अर्जुन मुंडा एक बार फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान हुए। ये इनका दूसरा कार्यकाल रहा। उस वक्त उनका कार्यकाल 12 मार्च 2005 से 14 सितंबर 2006 तक रहा। झारखंड के चौथे मुख्यमंत्री बने मधु कोड़ा। इनका कार्यकाल 14 सितंबर 2006 से लेके 23 अगस्त 2008 तक रहा। शिबू सोरेन एक बार फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री बने। इनका यह दूसरा कार्यकाल रहा। उस वक्त उनका कार्यकाल 27 अगस्त 2008 से लेके 18 जनवरी 2009 तक रहा। अर्जुन मुंडा एक बार फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री बने। ये उनका तीसरा कार्यकाल रहा। उस वक्त उनका कार्यकाल 11 सितंबर 2010 से लेके 18 जनवरी 2013 तक रहा। हेमंत सोरेन झारखंड के पाँचवें मुख्यमंत्री बने। उनका कार्यकाल 13 जुलाई 2013 से लेके 28 दिसंबर 2014 तक रहा। रघुबर दास झारखंड के छठे मुख्यमंत्री बने। उनका कार्यकाल 28 दिसंबर 2014 से लेके 29 दिसंबर 2019 तक रहा। हेमंत सोरेन एक बार फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री बने। यह उनका दूसरा कार्यकाल है। इनका कार्यकाल 29 दिसंबर 2019 से शुरू हुआ और वर्तमान जनवरी 2022 तक ये झारखंड के मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान है। जानकारी अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लीजिए।